एवरीवन, मैं दीपलीना, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होममेड फेशियल। ये फेशियल महीने में एक बार मैं यूज करती हूँ, आप भी इसे यूज कर पाएंगे बहुत ही इजीली, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करने वाली हूँ ये बहुत ही इजीली आपके किचन में अवेलेबल होता है। आज जो फेशियल मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है राइस फेशियल। ये फेशियल हमारे स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये हमारे स्किन में ग्लो लाता है, ब्राइट करता है, स्नान टैन रिमूव करता है, ब्लेमिश को भी दूर करता है एंड एक्स्ट्रा एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपके फेस में ले आता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी इंग्रेडिएंट से मैं आज अपना फेशियल बनाती हूँ एंड फेस पे भी यूज करके दिखाने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ राइस वाटर। मैं 2 चम्मच राइस को रात को ही इस बाउल में भिगो के रखा है और जो पानी मैंने यूज किया है वो है फिल्टर्ड वाटर। आप जो पानी पीते हैं उस पानी को ही जरूर यूज कीजिएगा। रबिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ राइस पाउडर एंड इसके साथ मैं मिक्स्ड करूंगी थोड़ा सा हनी एंड थोड़ा सा गुलाब जल। मैं इधर डाबर का गुलाब जल यूज कर रही हूँ एंड डाबर का ही हनी मैंने यूज किया है। तो इन तीनों को मैं अभी मिक्स करने वाली हूँ। जो चावल मैंने रात को भिगो के रखा था जिसका पानी एज ए टोनर आज मैं यूज करने वाली हूँ फेशियल के लिए, उस चावल के साथ 1 चम्मच दही मिला के मैंने पेस्ट बनाया है। इस पेस्ट को आज मैं एज ए पैक यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपना फेस अच्छे से क्लीन कीजिए, फिर उसके बाद ये स्क्रब आपको लगाना पड़ेगा। मैं अपना फेस क्लीन कर लिया है तो अभी मैं ये स्क्रब अप्लाई करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रब मैंने लिया है। अभी हाथों में ऐसे करके पूरे फेस पे सिर्फ अंडर आई छोड़ के मैं इसे लगाने वाली हूँ। आप हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही इसे थोड़ा सा मसाज करना, 2 से 3 मिनट ही आपको इसे मसाज करनी है। हल्के हाथों से आप इसे मसाज कीजिए, ज्यादा रफ आप मत कीजिए। मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब मैं टोनर यूज करने वाली हूँ। टोनर के लिए मैं कॉटन का यूज करने वाली हूँ। टोनर को इस तरह से कॉटन से पूरे फेस पे आप लगाइए। आफ्टर स्क्रबिंग टोनर जरूर करना चाहिए क्योंकि जो पोर्स ओपन हो जाते हैं इसके लिए टोनर यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आफ्टर 15 मिनट मेरी स्किन एकदम से टोनर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अभी मैं फेस पैक अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप चाहे तो जो फेस पैक लगाने का ब्रश मिलता है उससे भी फेस पैक लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज हाथों से ही फेस पैक लगाने वाली हूँ। अब इस तरह से हल्के हाथों से फेस पैक को पूरे फेस पे अच्छे से लगा लीजिए अंडर आई को छोड़कर। तो ये फेस पैक लगा के आपको 15 to 20 मिनट इस तरह से रहना है। आफ्टर 15 मिनट मैंने अपने फेस को प्लेन वाटर से क्लीन कर लिया है। आप देख ही रहे हैं कि मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन लास्ट में आपको मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है। आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज करते हैं उसे यूज कीजिए। मैं तो हिमालय का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ तो वही मैं अभी यूज करने वाली हूँ। ऐसे छोटे छोटे करके आप इसे लगा लीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से इसे थोड़ा बहुत मसाज। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए टॉपिक पे वीडियोस देखने के लिए, और मेरी वीडियो सबका अगर अच्छी लगती है तो कमेंट भी जरूर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुश रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।